और मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि बिहार की मुकामा का हर एक व्यक्ति एकजुट होकर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम, मेरे नेता स्वर्गीय आदरणीय रामविलास पासवान जी के नाम, पूरी मोकामा की जनता एकजुट होकर आगामी 3 तारीख को 2 नंबर पर जाकर अपना बटन दबाएगी और इनको आज ये प्रत्याशी के रूप में है, पर मुझे उम्मीद है, विश्वास है, आज का दिन भी इतना शुभ है, आज उगते सूरज को सुबह हम लोग अर्घ देकर आए हैं और उगते सूरज के दिन ही अगर हमारा जन्मदिन है तो ये भी एक खूबसूरत संयोग है। और साथ ही में बस आज बिहार की जनता के मोकामा की जनता के बीच मैंने पूरा दिन अपना बिताया, अपना पूरा जन्मदिन उनके बीच में मैंने बिताया है, तो बस अपेक्षा भी यही रखता हूँ कि जन्मदिन के तोहफे के तौर पर इनकी जीत हम लोग की झोली में मोकामा की जनता देगी, ये मैं जरूर विश्वास रखता हूँ। यही सब दिन अब आपको मालूम नहीं है कि उसके पिताजी का कितना हमने किया था, सम्मान ही नहीं दिया था, उनका हमने समर्थन किया था, शुरुआती दौर की बात है, अभी सब तो बच्चा न है जी, विहवा तो दूसरा वहां जाके दिल्ली में न किए हैं। यही सब दिन अब आपको मालूम नहीं है कि उसके पिताजी का कितना हमने किया था, सम्मान ही नहीं दिया था, उनका हमने समर्थन किया था, शुरुआती दौर की बात है, अभी सब तो बच्चा न है जी, विहवा तो दूसरा वहां जाके दिल्ली में न किए, फिर हम लोग उसको छोड़ करके फिर आ गए वापिस अपना जगह पर, अब इसलिए कुछ नहीं, अब इसको बाबा के पास समझ गए। बीजेपी दावा कर रही है कि दोनों सीट जीतने जा रहे हैं, चुनाव में दोनों सीट आप जा रहे हैं, चुनाव प्रचार 2 दिन बचा है, जनता मालिक है, हम इस सब पर कुछ नहीं कहते, मालिक है जनता, लेकिन जो हम लोगों को वहां के लोगों ने बताया है तो उसमें बिल्कुल ही राष्ट्रीय जनता दल के जो लोग हैं आरजेडी के, दोनों जगह पर जीतने जा रहे हैं, ये सब सारी बात हमारी भी बात होती रहती है। देखिए हमारा तो थोड़ा सा ये खराब हो गया, इसके चलते हम वहाँ प्रचार में नहीं जा पाए, लेकिन ऐसे भी हमारी बातचीत तो होती रहती है, इसलिए उस सब में कोई चिंता मत करिए। सर बीजेपी सर रीट दाखिल करने जा रही है गोपालगंज के प्रत्याशी के खिलाफ, सर कह रही है कि उन पर आपराधिक जो मामला उन्होंने छुपाया है, रीट दाखिल करने जा रही है, अभी सब कोई मतलब है इसका क्या रेट होता है क्या होता है उसके बारे में कोई, ये सब चीज का है, ये सब चीज का तो अपना जो कर रहा है कोई को कर रहा है, आज आपको मालूम नहीं है कितने लोगों पर कितना कंप्लेंट हो जाता है, तो सब तो अलग चीज है, उससे कोई मतलब नहीं। एड़ी चोटी का जोड़ लगाए हुए बीजेपी, क्योंकि आपसे अलग होने के बाद ये पहला मौका है चुनाव का। अरे वो तो एक अलग है, ये सब तो बाई इलेक्शन है, इसमें तो जो कुछ भी होना होना, उनको तो हम लोग अलग हो गए हैं और कोई मतलब नहीं। अब आप देख रहे हैं कि आजकल कितना बोलते रहते हैं हम लोग पर, कैसा कैसा बात बोलते रहते हैं, तब से ही न रहे हैं कि उनकी हालत खराब हो चुकी है। चलिए।